बदलते वक्त और बदलते लोग कभी किसी के हुआ नहीं करते। कहते हैं वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन इंग्लिस्तान में तो गाड़ी भी किसी का इंतजार नहीं करती। और यही वजह है कि यहाँ से ट्रेनें हस्बे प्रोग्राम एन वक्त पर दूसरे शहरों में पहुँच जाती हैं। बर्तानिया के मरूफ और कदीम शहर लंदन से बजरिया कार अगर मैनचेस्टर का सफर किया जाए तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर बजरिया बस लंदन से मैनचेस्टर पहुंचा जाए तो 5 से 7 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि ट्रेन से सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट में आप लंदन से मैनचेस्टर शहर में पहुंच सकते हैं। मैनचेस्टर पहुंचते ही जब यहां की पुरानी इमारतों पर नजर पड़ती है तो ये कदीम इमारतें बर्तानिया की तारीख का पता देती हैं। मैनचेस्टर के आसमान पर अगर बादलों का कब्जा ना हो तो इन इमारतों के पीछे से झांकते हुए सूरज की सुनहरी किरणें भी इन इमारतों की खूबसूरती और बढ़ा देती हैं, और यूं ये नज़ारे यहां आने वालों का खूब इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बर्तानिया का मौसम लम्हों में ऐसी करवट लेता है कि देखते ही देखते आसमान का रंग बदल जाता है, फलक पर मुस्कुराता हुआ सूरज हो या खूबसूरत बादलों के साथ ठंडी हवाएं और रिमझिम, लोग यहां इन तमाम लम्हात को खूब इंजॉय करते हैं। मैनचेस्टर बर्तानिया के सबसे मशहूर शहर लंदन से तकरीबन 257 किलोमीटर के फासले पर वाके है। मैनचेस्टर के मजाफात में लिवरपूल और ब्लैकपूल जैसे शहर हैं। शुमाली बर्तानिया में वाके मैनचेस्टर एक तारीखी खूबसूरत और अहम शहर है जो दुनिया भर में मशहूर है। 2006 के एक सर्वे में मैनचेस्टर को कारोबार के लिहाज से बर्तानिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया था। 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर बर्तानिया का तेजी से तरक्की करता हुआ वो शहर है जहां बड़ी तादाद में मुलाजमत के मौके पैदा हो रहे हैं। 17वीं सदी के आखिर में मैनचेस्टर चंद अफराद के साथ एक छोटा सा गांव था। 1780 में यहां रिचर्ड आर्क राइट नामी एक शख्स ने पहली कॉटन मिल कायम की। इसके बाद 18वीं सदी में मैनचेस्टर कपास के हवाले से दुनिया की सबसे अहम सनती बस्ती बनकर उभरा। इसके नतीजे में मैनचेस्टर दुनिया का सबसे पहला सनती इलाका बन गया। 19वीं सदी के आगाज में कारखानों की तमीर में इजाफे ने मैनचेस्टर को तब्दील करके एक छोटी बस्ती से एक अहम कारखानादार शहर बना दिया। सन 1984 में यहाँ की मारूफ मैनचेस्टर शिप नहर का इफ्तिताह हुआ जिससे यहाँ बंदरगाह बनी और इसके बायस यहाँ तिजारती बहरी जहाजों का आना जाना शुरू हुआ। मैनचेस्टर शहर में बहुत सी नहरें और दरिया भी हैं जिनका इस शहर की इब्तदाई तरक्की में बड़ा हिस्सा रहा है। वो शहर जिन्हें मैनचेस्टर का जुड़वा शहर करार दिया जाता है उनमें जर्मनी का शहर चेमनिट्स, स्पेन का कोर्डोबा, इसराइल का रिहोबोट, रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग, चाइना का वुहन और पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद शामिल है। मैनचेस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों की तहजीब और तमद्दन की अमाजगाह भी है। यहाँ की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा तारकीने वतन की आबादी पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक बर्तानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की कुल आबादी का 10% से ज्यादा हिस्सा मैनचेस्टर में रिहाइश पजीर है। दीगर तारकीने वतन में बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, नेपाली और अरब ममालिक के लोग शामिल हैं। साल 2013 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मैनचेस्टर की आबादी 25 लाख से जायद है जिनमें पाकिस्तानी अफराद की तादाद 45,000 के करीब है जो कि 2011 में 42,900 थी। अगर आप कभी बर्तानिया के इस तारीखी शहर मैनचेस्टर आए तो यहाँ के वसी और अरीज हीटन पार्क को देखना मत भूलें। ये पार्क 618 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर का बेहतरीन पिकनिक पॉइंट माना जाता है। यहाँ टेनिस खेलने के साथ साथ मुख्तलिफ जंगली जानवरों को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एक झील भी है जहाँ कश्ती की सैर भी की जा सकती है जो आपके लिए मैनचेस्टर शहर की हसीन याद बन सकती है। बर्तानिया में आम शहरियों को हासिल सहूलियत की बात की जाए तो बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी सहूलियत फराहम करती है, खास तौर पर बूढ़ों, बच्चों और कमजोरों के अंदरूने मुल्क सफर के लिए खसूसी मराती पैकेजेस हैं। 60 साल से बड़ी उम्र के शहरी
लंदन शहर में बजरिया बस, ट्रेन और ट्राम में मुफ्त सफर करते हैं, जबकि ऐसे अफराद को बरतानिया के दूसरे शहरों में भी रियायती टिकट की सहूलत हासिल है। अगर कोई शहरी ज्यादा बीमार है तो उसको रियायती टिकट के अलावा उसकी देखभाल करने वाले को भी रियायती टिकट की सहूलत फराहम की जाती है। ये सहूलत बरतानिया की हुकूमत मैनचेस्टर शहर में भी फराहम करती है। मैनचेस्टर शहर के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो 2013 में मैनचेस्टर शहर को रिहाइश के एतबार से बरतानिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया था, जबकि ये शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में 51वें नंबर पर आता है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया उनका ताल्लुक मैनचेस्टर से है। मैनचेस्टर दुनिया का पहला सनती शहर होने का एजाज भी रखता है। मैनचेस्टर वो शहर है जहां साइंसदानों ने पहली बार एटम को तकसीम किया था। यूरोप के किसी भी शहर से ज्यादा तालिब इल्मों की आबादी मैनचेस्टर शहर में है। यहां 1,00,000 से ज्यादा तालिब इल्म रहते हैं। यूं ये कहा जा सकता है कि मैनचेस्टर शहर में दुनिया भर से पढ़ने के लिए तालिब इल्मों की बड़ी तादाद आती है। बरतानिया की बेहतरीन और बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बरतानिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है, और तालिब इल्मों के लिए ये कितनी अहमियत की हामिल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 25 नोबेल इनाम जीतने वाले जहीन लोगों में से कुछ ने यहाँ से तालीम हासिल की और कुछ इस यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं। अगर आप फुटबॉल के खेल से लगाव रखते हैं तो आपने एक फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में तो सुना ही होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिस्तान का एक फुटबॉल क्लब है जिसका सदर दफ्तर ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम मैनचेस्टर में कायम है। ये दुनिया के मशहूर तरीन खेलों के क्लब्स में से एक है जिसके हामियों की तादाद 50 मिलियन से ज्यादा है। ये क्लब आज से 139 साल पहले यानी 1878 में कायम हुआ था। फतुहात के एतबार से ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के बाद इंग्लिश फुटबॉल की तारीख का कामयाब तरीन क्लब है। मैनचेस्टर में एक साउथ एशियन मेला भी लगता है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका के मुमालिक शरीक होते हैं और अपनी सकाफत के इजहार के जरिए इस मेले को एक रंगारंग यादगार तकरीब बना देते हैं। मैनचेस्टर का हवाई अड्डा लंदन शहर के बाद बरतानिया का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। यहाँ हर साल तकरीबन 22 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। 2013 में एक साल में मैनचेस्टर में घरों की कीमत में 21% इजाफा हुआ था, जो कि बरतानिया में तेज तरीन शरह है। यहाँ तक के इस इजाफे ने लंदन शहर के घरों को भी पीछे छोड़ दिया था। दुनिया की पहली मुफ्त अवामी लाइब्रेरी का आगाज 1653 में मैनचेस्टर शहर में ही हुआ था। दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन 15 सितंबर 1830 को तामीर हुआ और ये जिस शहर में तामीर हुआ उसका नाम मैनचेस्टर है। लंदन के बाहर इंग्लैंड की सबसे बड़ी इमारत बीथम टावर है, जो कि 168 मीटर बुलंद है, जो कि मैनचेस्टर की भी सबसे बुलंदो बाला इमारत है। नीले आसमान और रोशन दिन की पेशगोई बरतानवी अवाम के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होती, जिन्हें सूरज और काली घटाओं के दरमियान आंख मचोली देखने की आदत है। जल थल मौसम और यख बस्ता हवाएं यहाँ लोगों को साल भर जैकेट और छतरी उठाने पर मजबूर कर देती हैं, और अक्सर मौसम गर्मा भी यहाँ से नजरें चुरा कर ही गुजर जाता है, मगर बारिशें यहाँ बिन बुलाई मेहमान बनी रहती हैं। ये बारिशें भी कितनी अजीब होती हैं, कभी तो सारी उम्र भी मूसलाधार बरसती रही तब भी इंसान का अंदर नहीं भिगो पाती, और कभी हर पल हमारे मन को जल थल किए रखती हैं, लेकिन बाहर वालों को इसकी खबर भी नहीं होती।